ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक विच यू हैव इज़ कॉन्स्ट्रेंट्स प्रोपिगेशन। इसमें बेसिकली होता यह है कि अगर हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स हों तो कैसे हम अपनी डोमेन को श्रिंक कर सकते हैं, एंड किस क्या चीज़ें देखनी चाहिए उनकी, बेसिकली स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट का टर्म्स क्या है, उनका मतलब हमें पता होना चाहिए। सो द टर्म लोकल कंसिस्टेंसी जो टर्म यूज़ हुई है, इट्स बेसिकली डिफाइनिंग कि हमें कॉन्स्ट्रेंट्स प्रोपिगेशन वाली जो अप्रोचेज़ हैं वो क्या होती हैं। कॉन्स्ट्रेंट प्रोपिगेशन मतलब कि आपकी डोमेन जो है आपको बता दी गई है कि आपके पर्टिकुलर केस में एक वेरिएबल की क्या क्या डोमेन है, और इसके साथ साथ आपको कंस्ट्रेंट्स भी बता दिए जाएं। जैसे हम लोगों ने वो जो बेस केस हम लोगों ने बनाए थे जिसमें वेरिएबल्स डोमेन्स एंड कंस्ट्रेंट्स बताने होते थे, तो उसमें बेसिकली हम डोमेन में सारी वैल्यूज जो भी पॉसिबल वो ले सकता था लिखते थे, और उसके बाद कंस्ट्रेंट्स जो भी पॉसिबल थे वो भी बता देते। तो कंस्ट्रेंट्स प्रोपिगेशन का मतलब है कि जब हमें वेरिएबल्स पता हों एंड डोमेन पता हो और उसके कंस्ट्रेंट्स पता हों, तो कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हुए उसकी डोमेन को श्रिंक अप करना इज कंस्ट्रेंट प्रोपिगेशन। इसके लिए वी हैव कंसिस्टेंसी सॉल्यूशंस व्हिच इज नोड कंसिस्टेंसी, आर कंसिस्टेंसी, पाथ कंसिस्टेंसी, के कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली हर टर्म का क्या मतलब है, सो आई बिगिन विद फर्स्ट ऑफ ऑल द नोड कंसिस्टेंसी। इट्स इक्विवेलेंट टू कंसिडरिंग यूनरी कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल। दैट मीन्स कि फॉर सपोज आपके एक जो हम लोगों ने मैप कलरिंग प्रॉब्लम थी, अब उसमें फॉर एग्जाम्पल हर स्टेट जो था, हर नोड थे, उसके तीन पॉसिबल कलर्स वो रख सकता था, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, तो हर स्टेट ने रख लिया। नाउ फॉर सपोज इफ आई से के एस ए, द कॉन्स्टेंट इज के एस ए डज नॉट लाइक्स ग्रीन कलर, तो इस कॉन्स्टेंट को कंसिडर करते हुए मैं इससे क्या करूँगी, इसकी डोमेन से ये कलर निकाल दूंगी। वाई? बिकॉज आई हैव टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर स्टेट्स कॉन्स्टेंट, दैट इज यूनरी कॉन्स्टेंट को कंसिडर करते हुए इसकी डोमेन को श्रिंक अप करना है मुझे, फॉर श्योर शॉर्ट। सो दिस इज नोड कंसिस्टेंसी, कि आपके यूनरी कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हुए, कंसिडरेशन में रखते हुए, यू हैव टू श्रिंक अप योर डोमेन सच दैट कि वो जो पर्टिकुलर नोड है अपने कॉन्स्टेंट्स के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट हो, अपने जो भी उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको फॉलो अप करते हुए ही वो अपनी डोमेन रखे। दैट इज़ व्हाट अ नोड कंसिस्टेंट मीन पर्टिकुलरली। तो नोड कंसिस्टेंसी कि हर नोड जो भी आपके प्रॉब्लम में है वो अपने यूनिटी कंस्टेंट्स के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट हो। ठीक है, सो पर्टिकुलरली जो है आपको ये कहा जा सकता है, फॉर सपोज एक प्रॉब्लम दे दिए आपको, कंस्ट्रेंट्स बताए हुए हैं, आपको कह दिया है कि मेक एवरी नोड कंसिस्टेंट, तो उसमें यही होगा कि आपने हर नोड के यूनिटी कंस्ट्रेंट्स को सिर्फ कंसिडर करना है, एंड देन फिर आपने हर नोड को कंसिस्टेंट बनाना है, मेकिंग इट्स यूनिटी कंस्ट्रेंट्स कंसिस्टेंट विद इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें अब जो मेन चीज़ गलतियाँ आप लोग कर देते हो, वो ये कर देते हो कि नोड कंसिस्टेंसी में आपने सिर्फ यूनिटी कंस्ट्रेंट देखना है, आपने कोई और बाइनरी वगैरह कंस्ट्रेंट्स नहीं देखने। तो अगर कोई बंदा उसके यूनिटी कंस्ट्रेंट्स को भी देख रहा है, बाइनरी को भी देख रहा है, और सारे कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हुए उसकी डोमेन को श्रिंक कर रहा है, तो आपका सॉल्यूशन गलत होगा। वाई? बिकॉज नोड कंसिस्टेंसी का मतलब कि जस्ट particularly with its unary constraints you have to make it consistent. ठीक है, next we have arc consistency. This is basically considering binary constraints. ठीक है, इसमें यह है कि आपके जो particular node है वो जिन जिन के साथ directly connected है using arcs, उनको consider करते हुए आपने उसकी domain को satisfy करना है, such that कि जिन जिन के साथ वो connected है and उन सब के साथ जो उसके constraints हैं उनको satisfy करते हुए आपने उसकी domain रखनी है। दैट इज़ के फॉर सपोज मैप कलरिंग में अगर ये एक स्टेट है तो इसके साथ ये और ये बाय आर्क डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो आपने इनके अकॉर्डिंग इसको कंसिस्टेंट बनाना है। आप ऐसी कोई वैल्यू इसमें नहीं रख सकते जिसके साथ, जिसकी वजह से ये और ये कंसिस्टेंट ना हो डब्ल्यू ए के साथ। तो दिस इज़ आर्क कंसिस्टेंसी, कि आपने एक नोड को कंसिस्टेंट बनाना है एज पर विद द नेबर्स ऑफ इट्स दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक है, तो फॉर सपोज इसकी एक एग्जांपल, अब इसमें जो है पर्टिकुलरली एक एल्गोरिथम लगता है, दैट इज AC3 एल्गोरिथम, इट्स आल्सो मेंशन विद इन योर बुक। नाउ आई विल बी यूजिंग वन एग्जांपल जिससे आपको पता चलेगा कि AC3 एल्गोरिथम एग्जैक्टली काम कैसे करता है। सो लेट्स सपोज कि वी हैव ए बी एंड अ सी नोड, जिसमें हमारे पास ये कंसिडर कर दिया जाए कि ए शुड बी लेस देन बी एंड बी शुड बी लेस देन सी, इन विच ईच ऑफ द पर्टिकुलर नोड हैव द डोमेन 1, 2, 3, 4। सो इसमें बेसिकली हमने करना ये है कि हमने हर नोड को कोई नंबर देना है या एक रेंज ऑफ वैल्यूज बतानी है। हमारे पास इनिशियल डोमेन ये है कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, एंड फिर हमने इन दी एंड इसका सोल्यूशन जो है वो तो निकालना ही निकालना है, लेकिन साथ ही में इसकी डोमेन को श्रिंक करके अगर मुझे दिखाना है यूजिंग आर्क कंसिस्टेंसी, AC3 एल्गोरिथम अगर मुझे लगाना है और मुझे कहा गया है कि अब इसकी डोमेन को श्रिंक किया जाए यूजिंग आर्क कंसिस्टेंसी एल्गोरिथम, तो वो कैसे होगा? तो बेसिकली इट हाउ इट डज इज़ कि आपने एक नॉर्मल सी क्यू बनानी होती है जिसमें आपने सारे आर्क्स मेंटेन करने होते हैं सबसे पहले। तो ये आर्क जो है अनडायरेक्टेड है,
अगर अनडायरेक्टेड मतलब है, इसका मतलब है कि ए से बी भी जा रहा है एंड ऑब्वियसली बी से ए भी जा रहा है. लाइक वाइज ये आर्क अनडायरेक्टेड है, बी से सी भी जा रहा है एंड सी से बी भी जा रहा है. तो अगर मैं क्यू में सारे आर्क्स एकदम से रखना शुरू करूँ तो नॉर्मल आपने क्यू बनानी है जिसमें सारे आपने आर्क्स जो हैं वो मैंशन करने. दैट इज ए से बी एक आर्क है, बी से ए एक आर्क है, बी से सी एक आर्क है एंड सी से बी एक आर्क है. सो इनिशियली प्रोग्राम में जो है हमारे पास सिर्फ यही आर्क्स हैं. अब ए सी थी एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, आपने सिंपल करना क्या है, सब क्यू है एक हमारी है तो एक एक करके हमने एक आर्क निकालना है. सो ए से बी एक आर्क निकाला. जब ए से बी एक आर्क निकाला है तो दैट मीन्स पर्टिकुलरली कि मैंने सिर्फ अभी ये आर्क निकाला दिस, जिसकी डोमेन 1 2 3 4 एंड ये डोमेन 1 2 3 4 एंड जो हमारा कंस्ट्रेंट है वो है ए शुड बी लेस देन बी. तो इसकी कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग देखूँ तो मुझे करना क्या है, ए से बी का आर्क है मतलब स्टार्टिंग जो है वो ए है एंड एंडिंग बी है. ठीक है, तो ये भी नोट करना है कि आर्क स्टार्ट कहाँ से हुआ है. सो ए से बी का आर्क है, इसका मतलब मुझे ए को कंसिस्टेंट बनाना है विद रिस्पेक्ट टू बी. दैट मीन्स के मेरी हर एक वैल्यू के लिए जो मेरे पास है ए में, उसके लिए कोई कंसिस्टेंट वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए बी के अंदर, चाहे बी के पास एक्स्ट्रा हो या ना हो, लेकिन मेरी हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई वैल्यू बी के पास हो. तो अगर ए लेस देन बी है तो अगर मैं 1 लेती हूँ ए की वैल्यू तो 1 इज़ लेस देन 2 3 4, सो आई हैव सम वैल्यू विच इज़ ग्रेटर देन 1 बिकॉज ए वैल्यू शुड बी लेस देन बी. तो अगर ए की वैल्यू 1 रखती हूँ तो उससे बड़ी मेरे पास वैल्यूज़ हैं तो वो ए लेस देन बी वाली चीज़ मेरी अप्लाई हो जाएगी. अगर मैं ए इक्वल्स टू 2 रखती हूँ तो 2 इज़ लेस देन 3 और 2 इज़ लेस देन 4 इवन, तो उसके लिए भी मेरे पास वैल्यू है बी में कोई पड़ी हुई. 3 रखती हूँ अगर तो 3 इज़ लेस देन यहाँ पे 4 हो जाएगा. ठीक है, तो 3 इज़ लेस देन 4 मतलब अभी भी 3 के लिए भी मेरे पास बी में कोई वैल्यू पड़ी हुई है उसको सपोर्ट करने के लिए, इस कॉन्स्ट्रेंट को सपोर्ट करने के लिए. अगर मैं ए इक्वल्स टू 4 रखती हूँ तो 4 इज़ लेस देन नथिंग ओवर हियर. दैट मीन्स कि दिस वैल्यू इज़ नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज इसके लिए मेरे पास कोई और यहाँ पे वैल्यू नहीं पड़ी हुई है जिससे मुझे आंसर मिल जाएगा. दैट मीन्स मैंने क्या कर दिया, सिंपल एज दैट, मैंने अपनी वैल्यू में से 4 निकाल दिया. मतलब मुझे ये पता चल गया कि 4 तो डेफिनेटली ए में नहीं आ सकता है. ठीक है, अब क्योंकि मेरी ए से मैंने डोमेन श्रिंक की है, ठीक है, तो मुझे ये देखना होगा कि क्या ए किसी और के साथ कनेक्टेड है. अगर है और वो क्यू में प्रेजेंट नहीं है तो मुझे उसको ऐड कर देना चाहिए. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ए को मैंने कंसिस्टेंट बनाया. ठीक है, मैंने जब ए से बी का आर्क यूज़ किया तो मैंने क्योंकि ए टू बी का आर्क लिया, ए टू बी, दैट मीन्स मैंने ए को कंसिस्टेंट बनाना है. एंड जब मैंने ए को कंसिस्टेंट बनाया तो मेरी डोमेन श्रिंक हुई है. अगर तो डोमेन श्रिंक नहीं होती मैं डायरेक्टली क्योंकि नेक्स्ट बंदे को सिर्फ पॉप करके फिर अपना काम वही शुरू करती, लेकिन ए की डोमेन श्रिंक हुई है दैट मीन्स इट हैज़ गॉट अफेक्टेड. तो अब मैं ये देखूंगी कि क्या ए किसी और नोड के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अगर ए की डोमेन श्रिंक हुई है तो शायद इसके नेबर्स को कुछ अफेक्ट पड़ेगा इससे, शायद. ठीक है, बिकॉज अगर कोई एक पर्टिकुलर नोड की डोमेन श्रिंक होती है तो शायद कहीं ना कहीं उसके नेबर्स जो हैं वो किसी कंस्ट्रेंट की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं प्रॉबली. ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि अगर ए की डोमेन श्रिंक हुई है, नाउ चेक इफ इट इज़ कनेक्टेड विद एनी अदर नोड जिसका आर्क इस क्यू में एडेड अप नहीं है. तो ए किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ इसी के साथ कनेक्टेड था, तो वी विल जस्ट मूव ऑन, हमने सिर्फ इसकी डोमेन को श्रिंक कर दिया. नेक्स्ट वी विल डू बी टू ए. ठीक है, अब अगर मैं बी टू ए करती हूँ सो बेसिकली बी की है डोमेन 1 2 3 4 एंड ए की डोमेन है 1 2 3. सो व्हाट आई विल डू नाउ इज़ क्योंकि बी टू ए है तो अब मुझे सिंपली यही करना है कि बी को कंसिस्टेंट बनाना है. दैट मीन्स बी के अंदर जो जो वैल्यूज़ हैं उसके लिए कोई ना कोई वैल्यू जो है ए में होनी चाहिए. क्योंकि कंस्ट्रेंट था ए इज़ लेस देन बी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि ए इज़ लेस देन बी, दैट मीन्स बी शुड बी ग्रेटर देन ए ऑब्वियसली, राइट. सो दैट इज़ द कंस्ट्रेंट कि बी की वैल्यू हमेशा ए से बड़ी होनी चाहिए एंड हर वैल्यू जो भी मैं बी की पढ़ूँ उसके लिए कोई ना कोई छोटी वैल्यू होनी चाहिए ए के डोमेन में. तो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी अदर वैल्यू ओवर हियर. ठीक है, दैट मीन्स के 1 डेफिनेटली नहीं हो सकता. 2 इज़ ग्रेटर देन 1 है. 3 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 2. 4 इज़ ग्रेटर देन 1 2 एंड 3. तो सिर्फ 1 जो है मेरा कम हुआ है, दैट मीन्स यहाँ से मेरा 1 हट जाएगा. एंड क्योंकि मेरी बी की डोमेन श्रिंक हुई है
तो मैं ये देखूंगी कि क्या कोई ऐसा नोड है जिसके साथ बी कनेक्टेड था, ए के अलावा कोई और नोड है जिसके साथ वो कनेक्टेड है. सो इट इज़ कनेक्टेड विद सी. तो बी टू सी का आर्क मैं देखूंगी क्या क्यू में प्रेजेंट है, क्योंकि बी की डोमेन श्रिंक हुई है. सो आई नीड टू चेक कि क्या उसका कोई और नेबर है जो मुझे एडअप करना चाहिए, क्योंकि ए के साथ तो वो ऑलरेडी मैंने यूज़ कर लिया ये आर्क. तो क्या अगर बी किसी और नेबर के साथ एडेड है, आई शुड एड अप इन द क्यू, क्योंकि शायद इसकी वजह से उसकी डोमेन भी श्रिंक हो. तो बी सी के साथ एडेड है, तो बी टू सी ऑलरेडी क्यू में है, सो मुझे एडअप वापस करने की जरूरत नहीं है, इट्स रिडंडेंट. ठीक है, सो आई मूव ऑन. अब मैंने सिंपली क्या किया है, बी टू सी का निकालूंगी. अगर मैं अब बी टू सी का निकालती हूँ, तो बी की मेरी डोमेन है 2, 3 and 4, एंड सी की जो मेरी डोमेन है वो है 1, 2, 3 and 4. तो बी और सी का जो कंस्ट्रेंट है वो है बी शुड बी लेस देन सी. दैट मीन्स फॉर ईच वैल्यू ऑफ बी देर शुड बी सम वैल्यू इन सी जो उसको सेटिस्फाई, इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे. तो 2 इज़ लेस देन 3 and 4, 3 इज़ लेस देन 4, 4 इज़ लेस देन नथिंग ओवर हियर. तो क्या हो जाएगा कि इसकी डोमेन श्रिंक हो जाएगी. एंड अगेन तो यहाँ से मेरा 4 निकल गया. तो क्योंकि बी अब चेंज हुआ है सी की, सी के साथ आर्क एक मेंटेन था, तो मैं देखूंगी क्या बी किसी और के साथ कनेक्टेड है. बी सी के साथ तो कनेक्टेड है जो ऑलरेडी यहाँ पे था, लेकिन बी ए के साथ भी कनेक्टेड. दैट मींस बी टू ए एक आर्क है जो मुझे एड अप करना चाहिए क्यू में, क्योंकि बी की डोमेन श्रिंक हुई है. तो आई शुड एड अप वन मोर आर्क. बी टू सी तो ऑलरेडी आर्क प्रेजेंट था जिसकी वजह से डोमेन श्रिंक हुई है. तो कोई और नोड है जिसके साथ बी कनेक्टेड, दैट इज ए. सो आई शुड सी क्या क्यू में बी टू ए प्रेजेंट है या नहीं. अगर प्रेजेंट है तो आई जस्ट स्किप, अगर प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल एज दैट मैं उसको एडअप करूँगी अपनी क्यू में. बी टू ए क्यू में प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्यू में अब सिर्फ यही प्रेजेंट है, बाकी सारे तो पॉप हो गए थे. तो बी टू ए जो है मेरी क्यू में एडअप हो जाएगा. ठीक है ना, इसमें सिंपली होता है कि जो बी टू ए है, दैट मीन्स मुझे सॉरी यहाँ मेरी गलती हो गई है, यहाँ मुझे बी टू ए नहीं, मुझे ए टू बी लिखना चाहिए. बी की वजह से मुझे ए को ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं जो चाइल्ड नोड है पहले वो लिखूँगी और फिर जिसकी वजह से मैंने ऐड किया, दैट मीन्स ए टू बी. ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट मैं डिलीट करूँगी दैट इज़ सी टू बी. सी टू बी इज़ बेसिकली कि सी की जो डोमेन है फिल वक्त, दैट इज़ बेसिकली सी टू बी. अगर मैं देखूँ तो सी की डोमेन इज़ 1, 2, 3, 4 एंड बी की जो डोमेन है दैट इज़ 2 and 3. ठीक है, तो सी शुड बी ग्रेटर देन बी बिकॉज बी इज़ लेस देन सी का कॉन्स्टेंट है, दैट मीन्स सी की वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए. तो 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन एनी थिंग ओवर हियर, 2 is not greater than anything over here, 3 is greater than 2, 4 is greater than 3 and 2. ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टेंट सेटिस्फाई हो गए. 1 and 2 जो है डिलीट हो गया. सी कट हुआ, सी की डोमेन श्रिंक हुई है, तो हम देखेंगे सी किसी और के साथ कनेक्टेड एंड नथिंग, बिकॉज सी टू बी तो ऑलरेडी हमने अभी कर लिया. तो हम सिर्फ यही चलेंगे एंड विल मूव ऑन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो अब बचे आखिरी क्यू में वो है ए टू बी. ठीक है, तो ए टू बी को अगर मैं देखूँ तो सिंपल ये है कि ए की जो डोमेन है वो है 1, 2, 3 एंड बी की जो डोमेन है वो है 2, 3. तो 1 is less than 2 अवेलेबल है, 2 is less than 3 कुछ ना कुछ अवेलेबल है, 3 is less than nothing ओवर हियर. सो ख़त्म हो गया, डोमेन श्रिंक हो गई है, 1, 2 से बच गए. एंड ए किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है जो हम क्यू में डालें, एंड हमारी क्यू खाली हो गई है, तो हमारा पूरा एल्गोरिथम एंड्स अप ओवर हियर. ये जो चीज़ थी, ये वाली चीज़ याद रखेगा कि जब मैंने इसकी डोमेन श्रिंक की थी बी की, तो बी ए के साथ भी कनेक्टेड था, तो हमने क्यू में डाला था ये ए टू बी. तो ए टू बी इसलिए लिखा था क्योंकि चाइल्ड नोड पहले लिखेंगे एंड फिर जिसकी वजह से हम ऐड कर रहे हैं ये आर्क क्यू में, वो बाद में. तो ए टू बी का आर्क वो मेंटेन होगा. ठीक है, यहाँ सो इट बेसिकली व्हाट द इन शॉर्ट द एल्गोरिथम व्हाट इज डूइंग, इट्स कॉल्ड ए सी थ्री एल्गोरिथम. अब इसने किया क्या है, इसने फाइनल जो आउटपुट दिया वो ये दिया है कि ए की डोमेन होगी वो 1, 2 होगी, बी की डोमेन जो होगी वो 2, 3 होगी एंड सी की डोमेन जो होगी वो 3, 4 होगी. सो बेसिकली अब हमारी हर डोमेन में जो जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स को अप्लाई कर रही हैं. आर्क कंसिस्टेंसी है, मतलब ए जो है विद रिस्पेक्ट टू बी अपनी डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी विद रिस्पेक्ट टू ए एंड सी अपनी डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, एंड सी विद रिस्पेक्ट टू बी अपनी डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब 1 के लिए यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है, 2 के लिए यहाँ कोई वैल्यू पड़ी हुई है, बी के 2, 3 के लिए यहाँ वैल्यू पड़ी हुई है. ठीक है, सो इफ़ आई चूज 1 दिस एंड 2 दिस एंड 3 दिस, तो हम मेरे सारे की सारी वैल्यूज जो है वो सेटिस्फाई होंगी. यहाँ मैं अगर 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ, तो भी मेरा केस जो है वैलिड हो जाएगा. दिस इज़ आर कंसिस्टेंसी, कि आपने एक बेसिकली वेरिएबल को कंसिस्टेंट बनाया है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बाइनरी कंस्ट्रेंट्स. क्योंकि बाइनरी कंस्ट्रेंट्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे, दैट्स वाई इट्स अ बाइनरी कंस्ट्रेंट.
तो ACE3 algorithm in short how it works is कि पहले आपने सारे आर्क्स को एक क्यू में डालना होता है, जो भी क्वेश्चन में इनिशियली अवेलेबल आर्क्स हैं, फिर आप एक एक करके निकालें एंड उन पे आप अपने कंस्ट्रेंट्स को मेंशन करें. जैसे फॉर सपोज ए टू बी सबसे पहले निकाला था हमने, तो हमने क्या किया था, हमने ए को कंसिस्टेंट बनाया था विद रिस्पेक्ट टू बी. दैट मीन्स कि हमने ए की जो डोमेन में वैल्यूज़ हमने ये देखी कि क्या हर वैल्यू के लिए कोई ना कोई वैल्यू अवेलेबल है बी में. ठीक है, तो फोर के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, तो हमने श्रिंक कर दिया था. ठीक है, उसके बाद आप ये देखते हैं कि जिस नोड की आपने डोमेन श्रिंक की है, क्या वो किसी और नोड नेबर नोड्स के साथ कनेक्टेड है. अगर वो है तो उसका चाइल्ड नोड और वो जो आर्क बना रहे हैं उसको हम ऐड अप कर देंगे. जैसे हमने यहाँ पे ऐड अप किया था जब हमने बी टू सी वाली चीज़ की थी, तो बी की डोमेन श्रिंक हुई थी, तो बी टू सी के साथ साथ बी ए के साथ भी कनेक्टेड है, तो हमने उसका चाइल्ड नोड और फिर वो लिखा. दैट मीन्स ए टू बी का आर्क ऐड किया, बी टू ए का नहीं, ए टू बी का, कि जिस चाइल्ड नोड के साथ अटैच्ड है, बी जिसके साथ अटैच्ड है वो लिखा. तो ए टू बी आर्क का मतलब ये कि ए की डोमेन हम श्रिंक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बी. ये क्योंकि बी की डोमेन श्रिंक हो गई है, तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि क्या नेबरिंग नोड की डोमेन भी श्रिंक होगी विद रिस्पेक्ट टू बी की नई जो डोमेन बन गई है. ठीक है, तो हम वो क्यू में ऐड करते रहते हैं एक एक करके, बस हम इस तरह निकालते रहते हैं अंटिल आर क्यू गेट्स एम्प्टी. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द AC3 एल्गोरिथम इज एंड दिस इज हाउ आर्क कंसिस्टेंसी वर्क्स. मतलब आप अपने बाइनरी कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हुए अपने हर नोड की डोमेन को श्रिंक अप कर रहे हैं, एंड इन दी एंड क्या होता है कि हर नोड अपने बाइनरी कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हुए कंसिस्टेंट बन जाती है. ठीक है, तो नोड कंसिस्टेंसीज के सिर्फ एक एक जो यूनरी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कंसिडर करें, आर कंसिस्टेंसीज क्या अपने बाइनरी कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हुए जो है एक डोमेन श्रिंक अप करें. आप कंस्ट्रेंट्स प्रोपिगेशन क्या हो रही है कि आपकी जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको कंसिडर करते हुए अपनी डोमेन को श्रिंक कर रहे हैं, इलीगल वैल्यूज को हटा रहे हैं. तो आपकी जब डोमेन छोटी हो जाती है तो आपको जल्दी सोल्यूशन मिल जाता है. 20 वैल्यूज एक डोमेन में हो, 10 वैल्यूज एक डोमेन में हो, देयर इज अ डिफरेंस फाइंडिंग द आंसर. जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, नाउ पाथ कंसिस्टेंसी क्या है. पाथ कंसिस्टेंसी इज बेसिकली इन विच यू हैव अ मिडल नोड जिसको कंसिडर करना ज़रूरी है. ठीक है, नाउ वट एग्जैक्टली दिस मीन्स इज फॉर सपोज ओवर हियर दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मैप कलरिंग. अब अगर मेरे पास डब्ल्यू ए एन टी और एस ए को सिर्फ अगर कंसिडर मुझे करना हो, दैट मीन्स दिस दिस एंड दिस. ठीक है, और मेरे पास जो हो सपोज सिर्फ दो कलर्स हों, दैट इज रेड ब्लू, रेड ब्लू, रेड एंड ब्लू. ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो सिंपल, अगर मुझे डब्ल्यू एस ए को, अगर मैं एक आर्क कंसिस्टेंसी लूँ, देखें डब्ल्यू एन टी एक आर्क है, एन टी एस ए एक आर्क है, एस ए डब्ल्यू एक आर्क है. ठीक है, अगर मैं आर्क कंसिस्टेंसी करने पर आऊँ तो फिर तो मेरे पास सोल्यूशंस बिल्कुल इन आर्क्स के हैं. क्यों? क्योंकि डब्ल्यू एस ए को मैं ये कह सकती हूँ कि डब्ल्यू अगर रेड है तो एस ए के लिए ब्लू वैल्यू पड़ी हुई है, डब्ल्यू अगर ब्लू है तो एस ए के लिए रेड वैल्यू पड़ी हुई है. लाइकवाइज डब्ल्यू एन टी बी पे कंसिस्टेंट होगा कि डब्ल्यू अगर रेड है तो एन टी ब्लू हो जाएगा, अगर ये ब्लू है तो ये रेड हो जाएगा. लाइकवाइज गोज फॉर दिस कि ये अगर रेड है तो ये ब्लू हो, ये अगर ब्लू है तो ये रेड हो जाए. ठीक है, तो आर कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग तो ये सारे कंसिस्टेंट रहेंगे, बट अगर क्लोजली देखें तो सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता अगर मेरे पास सिर्फ रेड ब्लू दो कलर्स अगर अवेलेबल हों, तो इन तीनों का सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता, बिकॉज दीज ऑल थ्री आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड हर किसी को डिफरेंट कलर देना जरूरी है. दैट मीन्स रेड ब्लू अगर मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन हों कलर देने के, तो फिर इसका सोल्यूशन निकल नहीं सकता. जबकि आर कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये तो कंसिस्टेंट हैं. तो पाथ कंसिस्टेंसी क्या होती है कि जब आपके पास आप दो से ज़्यादा कनेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं कंसिडर करना, सो उसमें फिर आपको पाथ कंसिस्टेंसी देखनी पड़ती है. नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़ कि अगर मुझे डब्ल्यू और एस ए को कलर देना है, तो इनमें जो एक ब्रिजिंग नोड है दैट इज़ एन टी, दैट मीन्स जो कि वो डब्ल्यू ए के साथ भी कनेक्टेड है और वो एस ए के साथ भी कनेक्टेड है, तो फिर मुझे डब्ल्यू और एस ए को ऐसी असाइनमेंट देनी चाहिए सच दैट कि एन टी के लिए भी कोई ना कोई कंसिस्टेंट सोल्यूशन निकल पाए, कोई कंसिस्टेंट वैल्यू दे पाऊँ मैं. ठीक है, दैट मीन्स आई हैव टू गिव डब्ल्यू ए एंड एस ए अ पर्टिकुलर कलर सच दैट कि वो ये कंस्ट्रेंट भी देख पाए कि डब्ल्यू और एन टी कनेक्टेड हैं और एन टी और एस ए भी कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो फॉर सपोज दिस बेसिकली मीन्स इज कि इफ दिस इज द प्रॉब्लम कि डब्ल्यू ए एन टी एंड एस ए, सो वट आई एम सेइंग इज कि डब्ल्यू ए को और एस ए को ऐसा कलर मिलना चाहिए. हमारे पास कलर के ऑप्शन तो फाइव द वे राइट नाउ इज रेड ब्लू, तो ऐसे कलर्स मिलना चाहिए सच दैट कि एन टी को भी कोई ना कोई असाइनमेंट दे पाऊँ मैं, एंड डब्ल्यू ए कॉमा एन टी एंड एन टी कॉमा एस ए वाला कॉन्स्टेंट हो पाए. वाई? बिकॉज डब्ल्यू एंड एन टी इज कनेक्टेड एंड एन टी एस एस ए इज ऑल्सो कनेक्टेड. सो दिस इज बेसिकली अ मिडल
नोड विच इज बेसिकली कनेक्टिंग दिस बोथ. यहाँ से भी एक पाथवे जा रहा है, सिर्फ ये पाथवे नहीं है. सो बेसिकली अगर डब्ल्यू ए और एस ए के पास सिर्फ दो ही कलर्स हैं, ठीक है, डब्ल्यू ए एन टी के साथ कनेक्टेड है एंड एन टी एस ए के साथ, ठीक है, तो और अगर डब्ल्यू ए और एस ए के पास दो ही कलर्स हैं तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं कि ये रेड हो या ब्लू हो, ठीक है. अगर डब्ल्यू ए रेड है तो एस ए क्या हो जाएगा, ब्लू, और अगर डब्ल्यू ए ब्लू है तो ये क्या हो जाएगा, रेड. सिंपल एज दैट. तो एन टी को मुझे कोई वैल्यू देनी है, ठीक है. सो बेसिकली डब्ल्यू इक्वल्स टू रेड, एन टी को अभी बॉक्स खाली छोड़ा हुआ है, एन टी का बॉक्स खाली है एंड ऐसे ब्लू हो जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज डब्ल्यू और ऐसे को तो अलग अलग कलर्स देने ना क्योंकि ये लिंक्ड अप है. और अगर डब्ल्यू ए ब्लू हो जाता है तो ऐसे रेड हो जाएगा. तो अब मुझे ये देखना है बेसिकली कि यहाँ पे अब कोई ऐसा कलर देना है जो इस कंस्ट्रेंट को रखे. अगर मैं एन टी को रेड दे देती हूँ तो ये नहीं हो सकता क्योंकि रेड टू रेड हो गया और डब्ल्यू एन टी कनेक्टेड है. अगर मैं इसको यहाँ पे फॉर सपोज रेड दे देती हूँ, ठीक है, तो ब्लू रेड तो हो जाएगा लेकिन यहाँ जो रेड है वही यहाँ भी रेड आएगा तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है. अगर मैं इसको यहाँ ब्लू दे देती हूँ तो ये तो हो जाएगा लेकिन यहाँ ब्लू लिखूंगी तो नहीं हो पाएगा, ठीक है. सो दिस बेसिकली शोज कि इसका सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता, ठीक है. वाई, बिकॉज मुझे दो नोड्स को ऐसे वैल्यूज देनी है सच दैट कि जो थर्ड वेरिएबल है जो इन दोनों के साथ कनेक्टेड है उसको भी कोई कंसिस्टेंट वैल्यू मिल पाए. सो कंसिस्टेंट वैल्यू मैंने कैसे किया, मैंने कहा डब्ल्यू और एन टी कनेक्टेड हैं और एन टी और ऐसे कनेक्टेड हैं, डब्ल्यू ए को कोई भी कलर दे दो, दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, उसके साथ ऐसे को जो पॉसिबल वैल्यू मिलेगी वो भी देख ली. अब एन टी के पास जो ऑप्शन है वो ट्राई कर लो, रेड दे सकते हो, नहीं दे सकते, ब्लू दे सकते हो, यहाँ ब्लू चल जाएगा लेकिन यहाँ ब्लू नहीं चलेगा बिकॉज ब्लू ब्लू यूं हो जाएगा, ठीक है. सो बेसिकली दिस प्रूव्स कि ये नहीं, सोल्यूशन ही नहीं कर सकता एंड हमें दो से ज़्यादा कलर्स पता होने की ज़रूरत है. सो दिस बेसिकली पाथ कंसिस्टेंसी के इट बेसिकली मीन्स के वन कंसिडरिंग टू वेरिएबल्स तो आपको उन दो वेरिएबल्स को ऐसी वैल्यू देनी है सच दैट कि जो एक पाथवे, उनके पाथवे में कोई एक मिडल नोड अगर है तो वो उसके कॉन्स्टेंट्स को भी सेटिस्फाई करते हुए उनको कोई वैल्यूज दें, ठीक है. दैट मीन्स कि इस केस में डब्ल्यू ए और एस ए को कोई ऐसी वैल्यू दो सच दैट डब्ल्यू ए का जो थर्ड वेरिएबल जिनके साथ ये दोनों कनेक्टेड हैं उसको भी कोई कंसिस्टेंट वैल्यू मिल पाए, ठीक है. तो थर्ड वेरिएबल जो है वो मिडिल, यू कैन नो, ब्रिजिंग पॉइंट जो है बेसिकली इनका, उसको भी कोई वैल्यू मिल पाए. दिस इज पाथ कंसिस्टेंसी. सो इट्स बेसिकली सेइंग कि आप दो आर्क कंसिस्टेंसी को यूज़ कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये भी आर्क है, ये भी आर्क है, ये भी आर्क है. तो आर्क कंसिस्टेंसी का मोर जनरलाइज फॉर्म पाथ कंसिस्टेंसी है जिसमें आपके पास तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं, दो नहीं तीन आ जाते हैं, दो की जगह यहाँ पे तीन को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. नाउ के कंसिस्टेंसी क्या है, के की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं इसमें. अगर के इक्वल्स टू वन होता तो वन कंसिस्टेंसी मीन्स नोड कंसिस्टेंसी बिकॉज सिर्फ एक वेरिएबल को कंसिडर करें. अगर के की वैल्यू मैं टू रख देती हूँ तो टू कंसिस्टेंसी का मतलब आर कंसिस्टेंसी बिकॉज दो वेरिएबल्स को कंसिडर कराता है. अगर k की वैल्यू 3 रख देती हूँ तो पाथ कंसिस्टेंसी क्योंकि वो 3 वेरिएबल्स को रख रहा है. तो k कंसिस्टेंसी का मतलब है कि जनरलाइज्ड फॉर्म आपके लिए बना दिया है कि आपकी k की वैल्यू क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, वन कंसिस्टेंट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, आप टू कंसिस्टेंट सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, थ्री या व्हाटसो एवर. तो अगर k की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 4 होती है तो बेसिकली इसका जो मतलब है वो ये है कि 4 कंसिस्टेंसी का मतलब कि तीन वेरिएबल्स को ऐसी वैल्यू देनी है कि फोर्थ वेरिएबल भी कंसिस्टेंट रह पाए. जैसे पाथ कंसिस्टेंसी में आप क्या कह रहे थे कि अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो दो वेरिएबल्स को ऐसी वैल्यू देनी है कि थर्ड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू दीज टू वेरिएबल्स कंसिस्टेंट रह पाए बिकॉज वो उनके साथ कनेक्टेड है, ठीक है. तो लाइकवाइज अगर के की वैल्यू 4 हो जाती है तो आप क्या करते हैं कि तीन वेरिएबल्स को ऐसी वैल्यू देनी है कि जो चौथा वेरिएबल है वो कंसिस्टेंट रह पाए विद रिस्पेक्ट टू दोज थ्री वेरिएबल्स, ठीक है. दिस इज व्हाट के कंसिस्टेंसी है. सो लाइक जनरलाइज्ड फॉर्म जिसमें के की वैल्यू क्या है वो यूजर डिफाइंड है कि यूजर क्या करना चाहे, 1, 2, 3, 4 व्हाटसोएवर, 6, 7 व्हाट्सएवर, ठीक है. तो बस उसका जनरलाइज फॉर्म ये. तो के की वैल्यू अगर 2 होती है तो आर कंसिस्टेंसी क्या होता है कि हम एक वेरिएबल को कंसिस्टेंट बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू दी अदर वेरिएबल जिसके साथ वो आर के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है. नाउ ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स जो है, इट्स बेसिकली ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है जिसमें आर्बिट्री नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं. हम लोगों ने पहले भी किया था विद डिफरेंट टर्म जो हमने यूज़ किया, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली मैंने क्या टर्म यूज़ की थी. पर ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कि जब आपके पास आर्बिट्री नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो आपको नहीं पता, आपके पास आर्बिट्री नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स हो आपको नहीं पता कि आपके कंस्ट्रेंट को मेंशन करने के लिए आपको कितने वेरिएबल्स चाहिए. एंड इसकी बहुत फेमस एग्जांपल जो है दैट्स बेसिकली सुडोको. सुडोको में एग्जैक्टली होता क्या है
कि इसमें अगर मैं देखूँ तो वी हैव 81 बॉक्सेस इन टोटल बिकॉज 9 × 9 = 81. तो अगर मैं वेरिएबल्स का हूँ तो मुझे जो फिल करने हैं दैट्स आर 81 वेरिएबल्स जिनको मुझे फिल करना है, एंड जिनकी डोमेन जो होती है वो 1 to 9 होती है. वाई? बिकॉज ईच बॉक्स जो है उसमें नंबर 1 से 9 तक कुछ भी आ सकता है विथ अनलिमिटेड कंस्ट्रेंट्स, बट जो डोमेन है वो उसकी 1 to 9 है. मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी एक नंबर आ सकता है हर सेल में, एंड जितने टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं वो 81 है. तो 81 सेल्स को मुझे कोई वैल्यू देनी है एज 1 to 9. कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो आपके, अच्छा कंस्ट्रेंट्स का हमेशा याद रखना कि वेरिएबल्स पे कंस्ट्रेंट्स लगते हैं. आपकी डोमेन तो श्रिंक होती है एज पर कंस्ट्रेंट्स, लेकिन आपके वेरिएबल्स को कंसिडर करते हुए हमेशा कंस्ट्रेंट्स बनते हैं. जैसे यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स लगे वो वेरिएबल्स पे लगे हैं, आपकी डोमेन पे नहीं लगे. आपकी डोमेन श्रिंक होती है यूजिंग कंस्ट्रेंट्स, लेकिन जो कंस्ट्रेंट्स बनाते हैं आप वो वेरिएबल्स पे बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो बेसिकली क्या हैं कि सुडोकू में ये होता है कि आपका हर बॉक्स जो है उसमें एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो उसकी पूरी रो में वो नंबर ना हो, उसकी पूरी कॉलम में वो नंबर ना हो, और उसकी ये 3x3 के ग्रिड में, दैट इज़ ये इसके 9 जो बॉक्सेज इन स्क्वायर बना हुआ है डार्क कलर का, उसमें भी वो नंबर नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये होता है बेसिकली रूल. तो अगर मैं कंस्ट्रेंट, अब इसमें आर्बिट्री नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस सेल को कहूँ फॉर एग्जाम्पल A1, A2, A3, A4, A5, तो A1 की जो वैल्यू है ना ही वो A2 में हो सकती है. दैट मीन्स A1 शुड नॉट बी इक्वल्स टू A2, नॉट इक्वल्स टू A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. And A1 should not be equals to B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 and I1. And A1 should not be equals to A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 and C3. ठीक है, सो दे आर आर्बिट्री नंबर ऑफ वेरिएबल्स. वाई? बिकॉज यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 and ये 8. ठीक है, तो मैंने अच्छे खासे वेरिएबल्स को बता दिया कंस्ट्रेंट में कि ये सिर्फ एक सेल के लिए. ठीक है, तो इसलिए ये जो एग्जांपल है वो ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स के लिए. ग्लोबल मतलब कि बहुत सारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स आपके यूज़ हो रहे हो कंस्ट्रेंट को मेंशन करने के लिए. जबकि अगर यहाँ पे कंस्ट्रेंट लिखने हो तो बस आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि इंग्लिश में मेंशन कर सकते हैं कि इन ईच रो ऑल डिफरेंट, इन ईच कॉलम ऑल यूनिक, एंड इन ईच 3x3 ग्रिड ऑल्सो ऑल यूनिक. ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जिस तरह ये गेम खेली जाती है इसमें ये नहीं होता कि आप यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं फिर यहाँ से एंड सो ऑन. आप ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट बॉक्स कौन सा है जिसकी वैल्यू मुझे सबसे जल्दी मिल सकती है. जैसे फॉर सपोज यहाँ पर अगर मैं इस बॉक्स पे आऊँ विच इज़ E6. ठीक है, अब मुझे इसमें क्या पता है, क्योंकि इस 3x3 के बॉक्स में 1 भी है, 2 भी है, 7 भी, 8 भी है. दैट मीन्स 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता. ये 4 तो नहीं हो सकते, और 1 से 9 तक ही नंबर्स रखते हैं. ठीक है, तो 9 नंबर में से 4 तो यही निकल गए क्योंकि इसके 3x3 ग्रिड में 4 नंबर्स हैं. उसके अलावा यहाँ पे 5, क्योंकि इस पूरे कॉलम में 5 भी है, 6 भी है, 5 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, 2 मैंने पहले लिख लिया. ठीक है, 8, 9, 3 नहीं आ सकता, 8 भी नहीं आ सकता, 9 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 रहता है, 5, 6, 7, 8, 9 सारे नंबर्स, तो 8 नंबर्स तो कंस्ट्रेंट्स में चले गए. ठीक है, तो बचा सिर्फ एक नंबर है विच इज़ 4, तो वो एक ही लीगल वैल्यू इसकी बच गई है डायरेक्टली 4. तो मुझे क्या करना पड़ा, सिर्फ मैंने सबसे कंस्ट्रेंट बॉक्स देखा कि जिसके पास सबसे कम ऑप्शंस हैं. ठीक है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. हम इस तरह नहीं स्टार्ट करते, 1x1 बेसिकली उसको ऑब्जर्व करना होता है कि कहाँ मुझे सबसे जल्दी आंसर मिल सकता है. जैसे फॉर सपोज अब मैं अगर इस पे आ जाती हूँ I6 पे, जैसे लास्ट बॉक्स, तो अब इसके इस 3x3 ग्रिड बॉक्स में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है. ठीक है, अगर इसके कॉलम में देखूँ 4, 5, 6, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 2 इज़ ऑलरेडी डन, 8 भी है एंड 9 भी है. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सिर्फ बच गया. ठीक है, सिर्फ 7 बचा है जो इसकी अब तक डोमेन में नहीं आया, सो आई विल जस्ट इंसर्ट 7. ठीक है, तो इस तरह बेसिकली होता है आपको जब कोई गेम्स खेलनी होती हैं तो हम ये देखते हैं कहाँ मुझे सबसे जल्दी वैल्यूज़ मिल सकती हैं. अब इसी तरह मैं वैल्यू भरती रहूँगी तो जो जिसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस होंगे मेरे पास, जैसे कोई ऐसे बॉक्सेज जिसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शंस है मेरे पास ढूंढने के लिए, तो वो फिर लिमिटेड हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता. अब जैसे इसके पास अब बहुत कम ऑप्शन बच जाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे आधी लिस्ट भरी भरी हुई है. ठीक है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते उस पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट ऑफ इंडेक्स से जहाँ जिसके पास सबसे लिमिटेड ऑप्शन है टूवर्ड्स द वन जिसके पास सबसे हाईएस्ट ऑप्शन है, तो आहिस्ता आहिस्ता हर किसी की डोमेन क्या होती जाएंगी, श्रिंक होती जाएंगी. दिस इज हाउ कंस्ट्रेंट्स प्रोपगेशन वर्क्स, कि यू लुक एट द कंस्ट्रेंट्स एंड देन यू डिसाइड कि हाउ टू फिगर आउट द सॉल्यूशन. सो इसमें, अच्छा सुडोकू के बाद देयर इज वन मोर थिंग,
कंस्ट्रेंट्स आपके आगे इस जगह पे भी यूज़ हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज जब आपके पास हों, जैसे ओएस में आपको होता था कि आपको रिसोर्सेज दी जाती हैं टू मल्टीपल प्रोसेसेस एंड फिर उनको शेयर करनी होती हैं, तो उसमें भी काफ़ी कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसको आपको कंस्ट्रेंट्स को कंसिडर करते हुए सोल्यूशन निकालना होता है, सच दैट कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में कैसे हर प्रोसेस को रिसोर्स भी मिल जाए एंड कम से कम टाइम भी लगे एंड यू नो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड भी जो है वो अच्छी हो, ठीक है। तो इसीलिए आपको बहुत सारे एल्गोस पढ़ाए जाते हैं, तो कंस्ट्रेंट प्रोपेगेशन कैन ऑल्सो भी यूज ओवर देयर, ठीक है। एक और जैसे है वहाँ पे बाउंड प्रोपेगेशन भी हो सकती है, जैसे फॉर सपोज आपके पास हो कि आपके पास एक फ्लाइट वन है एंड एक फ्लाइट टू है, ठीक है, जिसमें आपके पास हो बेसिकली ये कंडीशन कि आपके पास दो फ्लाइट्स में आपको मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो है वो आपको बता दिया जाए कि इतने ही लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो फॉर सपोज कि मैं ये बता दूं कि एक फ़्लाइट है जिसकी जो रेंज बताई हुई है वो 0 to 165 बताई हुई है एंड जो दूसरी फ्लाइट है उसकी जो रेंज बताई हुई है वो 0 to 385 बताई हुई है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मिनिमम इसमें 0 लोग आ सकते हैं, ऑब्वियसली इस फ्लाइट में मैक्सिमम 165 की ये रख सकता है होल्ड एंड इसमें 0 मिनिमम एंड 385 मैक्सिमम। अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक और कंस्ट्रेंट ऐड कर दूँ कि दोनों फ्लाइट्स के जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं उनको अगर सम करूँ तो दे मस्ट बी 420 फॉर श्योर शॉर्ट, ठीक है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, 420 होने चाहिए लोग, वरना फ्लाइट नहीं चलेंगी ये दोनों की दोनों, ठीक है। और रेंज बता दी कि ये 165 होल्ड कर सकते हो, ये 385 इससे ज़्यादा नहीं कर सकता एंड दे मस्ट कैरी 420 पैसेंजर्स, ठीक है। तो ये कैसे होगा, अब इसको हम कहते हैं कि बाउंड प्रोपेगेशन, वाई, बिकॉज आपकी जो रेंज है वो आप सेट करेंगे, आप बाउंड जो है ना वो सेट करेंगे सच दैट के कुछ भी हो जाए उस बाउंड्री के अंदर अंदर के पैसेंजर्स आएंगे तो कभी भी कंडीशन फेल नहीं होगी। अब क्या है केस कि बेसिकली आपकी ये जो फ्लाइट वन है एंड जो फ्लाइट टू है इसकी मैक्सिमम रेंज तो इतनी ही रहेगी, ठीक है, कि 385 वो 165 ही रहेगी। अब अगर मुझे 420 लोग चाहिए और अगर 165 इसमें बैठ जाते हैं, सपोज़ कर लो कि मैक्सिमम केस के फ्लाइट वन में 165 में बैठा देती हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगी कि 420 तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मैं सिंपली ये करूँगी कि 255, ठीक है। इसका बेसिक मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम मैं यहाँ 165 रख देती हूँ तो मुझे एटलीस्ट मिनिमम जो है 255 पैसेंजर्स फ्लाइट नंबर टू में चाहिए ही चाहिए। वाई, क्योंकि यहाँ का मैक्सिमम केस मैंने रख लिया कि यहाँ 165 लोग रख दो, ठीक है। अगर मैं यहाँ के मैक्सिमम रख देती हूँ 165 मुझे चाहिए 420, तो एटलीस्ट मुझे 255 लोग यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ 385 रख देती हूँ मैक्सिमम, तो मैं सिंपली क्या करूँ, 420 माइनस 385 जो कि मुझे सिंपली दे देगा 35, क्या, ठीक है। तो 35 मतलब कि अगर मैं 385 मैक्सिमम यहाँ बंदे बिठा देती हूँ तो एटलीस्ट मुझे 35 लोग जो हैं वो फ्लाइट वन में चाहिए। अब इससे होगा हुआ क्या है, ये हुआ है कि अगर मैं फ़्लाइट वन में 35 पैसेंजर्स बिठाती हूँ तो मुझे 385 लोग यहाँ पे चाहिए ही होंगे, सो इट विल मेक अ टोटल ऑफ 420। अब ये रेंज मुझे क्या बता रही है कि मुझे मिनिमम इस फ्लाइट में 35 लोग चाहिए और मैक्सिमम ये फ़्लाइट 165 रख सकती है। फ़्लाइट नंबर टू में मिनिमम 255 होने ही चाहिए एंड मैक्सिमम 385, ठीक है। अब इससे होगा क्या, अगर मैं 35 यहाँ रखती हूँ तो 385 यहाँ चाहिए, अगर मैं 36 यहाँ रखती हूँ, ये रेंज है 35 to 165 रेंज है बेसिकली जिसमें आप लाई कर सकते हैं, मतलब इस फ्लाइट में इतने पैसेंजर्स की रेंज है कि 35 से लेके 165 तक के लोग होने चाहिए, ठीक है। तो मतलब रेंज आप 35, 36, 37, 38 जितने मर्जी रख सकते हो, रेंज स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम रेंज इज दिस, मैक्सिमम रेंज इज दिस, मिनिमम रेंज इज दिस, मैक्सिमम रेंज। अगर मैं यहाँ 36 रखती हूँ लोग, तो यहाँ मुझे 385 से माइनस वन 384 चाहिए होंगे, तो वो मैक्सिमम रेंज से कम ही है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे रखती हूँ लेट्स से 100, तो मुझे यहाँ कितने रखने होंगे, 420 माइनस 100 दैट मीन्स 320, दैट मीन्स कि इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, 320 प्लस 100 420 हो जाएंगे। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ 164, ठीक है, तो 160 420 माइनस 160 वो इसी रेंज में आ जाएंगे, सिंपल एज दैट। मैं यहाँ 165 रखती हूँ तो मुझे यहाँ 255 लोग चाहिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मैंने एक रेंज सेट कर दिया है कि इसके अंदर मिनिमम एटलीस्ट लोग इतने होने चाहिए, मैक्सिमम इतने रख सकता है, ये मिनिमम इतने होने चाहिए, मैक्सिमम इतने रख सकता है, तो जाके ये कंडीशन हर केस में
सही आएगी, मतलब मैं यहाँ जितने भी पैसेंजर्स इस रेंज के अंदर रख लूँ तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर होगा जो उसको सम करूँगी तो 420 निकल आएगा। मतलब ये फिक्स्ड मेरी रेंज हो गई है जो मुझे बता रही है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स मेरी इस फ्लाइट में होने ही होने चाहिए, कितने मैक्सिमम, उस रेंज के दरमियान आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो बेसिकली बाउंड प्रोपेगेशन, क्योंकि हम स्टार्ट कहाँ से हुए थे, यहाँ से हमने इसको कन्वर्ट क्या कर दिया इस फॉर्म में यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कंस्ट्रेंट प्रोपिगेशन जिसमें हमने बाउंड को प्रोपिगेट कर दिया है कि हमने अपनी रेंज सेट कर दी है कि क्या रेंज एग्जैक्टली है हमारे इस सोल्यूशन को निकालने के लिए। अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू यूज़ कर लो, ये 36 है तो यहाँ कुछ और होगा, यहाँ 165 है तो ये 255 होगा टू कंप्लाई विद दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली जो हमारा एक लेक्चर जो है एज बेसिकली बेस्ड ऑन दिस इंटायर थिंग जो हम लोगों ने आज कवर कर लिया, अभी मतलब इसमें कवर कर लिया। तो इसमें एग्जैक्टली हमने किया यही है सिंपल कि हमने बात की है नोड कंसिस्टेंसी, कंस्ट्रेंट प्रोपगेशन मेनली, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट नोड कंसिस्टेंसी, जिसमें यू हैव टू सेटिस्फाई यूनिटरी कंस्ट्रेंट, देन आर कंसिस्टेंसी। आर कंसिस्टेंसी की जो एग्जाम्पल करवाई है वो कम्प्लीटली वो ये करवाई है। ठीक है, जिसमें मैंने कहा कि ए शुड बी लेस देन बी, बी शुड बी लेस देन सी। ठीक है, आगे मैं शायद एक और एग्जाम्पल करवा दूँ। देन वी हैव पाथ कंसिस्टेंसी, जिसमें हमने दो वेरिएबल्स को कंसिस्टेंट बनाना है विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल विच इज़ कनेक्टेड विद बोथ ऑफ देम। के कंसिस्टेंसी इज अ जनरलाइज थिंग, जिसमें के की वैल्यू अगर 1 हो तो इट्स नोड, 2 हो तो आर्क, 3 हो तो पाथ, 4 हो तो दैट मीन्स 3 वेरिएबल्स को कंसिस्टेंट बनाना है विद रिस्पेक्ट टू द फोर्थ वेरिएबल जो कनेक्टेड है इन सबके साथ। ग्लोबल कंस्ट्रेंट्स है, जिसमें यू हैव आर्बिट्री नंबर ऑफ वेरिएबल, जिसमें वी टुक एन एग्जांपल ऑफ सुडोकोड, जिसमें आई सेड कि हम लोग किस तरह एक वेरिएबल की डोमेन श्रिंक करके जल्दी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वी वेंट टूवर्ड्स दैट वेरिएबल जिसके पास सबसे ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स पड़े हुए, जिसके पास सबसे ज़्यादा लिमिटेड वैल्यूज टू फाइंड अ क्विकर सोल्यूशन। ठीक है, देन वट वी डिड वॉज बाउंड प्रोपिगेशन, जिसमें आई सेड कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमें बाउंड्री को रेंज सेट करनी है मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो कैसे कर सकते हैं, तो वो एक बाउंड प्रोपिगेशन भी है। इट्स लाइक यूजिंग कंस्ट्रेंट्स टू लिमिट योर बाउंड्री, टू लिमिट योर रेंज। ठीक है, अब हमें 0 to 165 को कंसिडर नहीं करना, डायरेक्टली वी आर कंसिडरिंग फ्रॉम 35 to 165। अब हमें 0 to 385 कंसिडर नहीं करना, वी आर डायरेक्टली कंसिडरिंग 255 to 385 ओनली। ठीक है, उन नंबर्स को सब इंक्लूड करना है। This is what where constraints can be used to limit your values, to shrink your values, or to eradicate your illegal values. So aage hum log basically karenge backtracking wala concept jisme ye sare algorithms jo hain wo use hote hain.